बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास फोर का ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का यूनिट नंबर फोर पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। यूनिट नंबर फोर, लेसन नंबर वन, लिसन एंड स्पीक। रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चन, विच मील इज मिस्टर बर्की गोइंग टू हैव। ये एक डायलॉग है जो मिस्टर बर्की और नादिया के दरमियान है। मिसिस बर्की, आई हैव मेड अ पॉट ऑफ टी। नादिया, मैंने चाय बनाई है। वुड यू लाइक अ कप, क्या तुम एक कप लेना पसंद करोगी। नादिया, यस प्लीज, जी हाँ मेहरबानी। मिसिस बर्की, हाउ वुड यू लाइक इट, तुम इसे किस तरह से लेना पसंद करोगी। ब्लैक, स्याह और विद मिल्क एंड शुगर, या दूध और चीनी के साथ। नादिया, विद मिल्क एंड शुगर प्लीज़, दूध और चीनी के साथ मेहरबानी। मिसिस बर्की, वुड यू लाइक बिस्किट्स विद इट टू, क्या तुम इसके साथ बिस्किट लेना भी पसंद करोगी। नादिया, यस प्लीज़, जी हाँ। व्हाट आर यू कुकिंग, तुम क्या पका रही हो। मिसिस बर्की, आई एम योर फादर्स ब्रेकफास्ट, आई एम मेकिंग योर फादर्स ब्रेकफास्ट, मैं आपके अब्बा जान का नाश्ता बना रही हूँ। नादिया, ओ व्हेन डिड ही कम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया से कब वापस आए। मिसिस बर्की, ही अराइव्ड होम लेट लास्ट नाइट, पिछली रात देर से घर आए। ही स्टिल स्लीपिंग, वो अभी तक सो रहे हैं। आई विल गो, मैं जाऊंगी। एंड वेक हिम अप नाउ, और अब उन्हें जगाऊंगी। नेक्स्ट है पेज नंबर 21 पे, यूनिट नंबर फोर, लेसन नंबर टू, वर्ड्स। मैनी वर्ड्स हैव कम इनटू इंग्लिश फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग उर्दू। बहुत से अल्फाज जो हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में दूसरी ज़बानों से आते हैं, जिस तरह से उसमें उर्दू भी शामिल है। मोस्ट ऑफ़ दीज आर वर्ड्स दैट यू ऑलरेडी नो, मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स। ये वर्ड्स हैं, इनको इनके मीनिंग्स के साथ जो है वो मैच करना है। ये उर्दू वर्ड्स हैं और इनके इंग्लिश मीनिंग्स जो हैं वो मैच करने हैं। वर्ड्स है बेंगलो, मीनिंग है इसका अ हाउस ऑन वन लेवल। चटनी, अ स्पाइसी सॉस मेड फ्रॉम फ्रूट और वेजिटेबल्स। शैम्पू, अ लिक्विड दैट यू यूज टू वॉश योर हेयर, ऑल्सो अ वर्ब है। जंगल, अ थिक फॉरेस्ट इन अ हॉट वेट कंट्री। खाकी, अ ग्रीन ब्राउन और येलो ब्राउन कलर। पंच, अ लिक्विड दैट यू यूज टू अ ड्रिंक मेड फ्रॉम फाइव डिफरेंट फ्रूट जूसेस। वरांडा, प्लेटफॉर्म एट द साइड ऑफ अ हाउस विद रूफ एंड फ्लोर बट नो वॉल्स। पजामास, अ लूज जैकेट एंड ट्राउजर्स दैट यू वियर इन बेड। अब इसकी एक्सरसाइज नंबर टू है, कंप्लीट द टेक्स्ट विद वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज वन। एक्सरसाइज वन में जो वर्ड्स हैं उनको देख के ये कंप्लीट करनी है। वन इवनिंग रुडयार्ड किपलिंग वॉज स्टेइंग इन द जंगल। ही वॉज सिटिंग एट अ टेबल ऑन द वरांडा आउटसाइड हिज बैंगलो ईटिंग अ डिश ऑफ लैम्प करी एंड मैंगो चटनी एंड ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ पंच। ही वॉज वेयरिंग ओल्ड खाकी ट्राउजर्स सैंडल्स एंड अ शर्ट। अब एक्सरसाइज नंबर थ्री है, कॉपी एंड कंप्लीट सायराज लेटर टू सैंड्रा। हेलो, इट्स इवनिंग एंड आई एम सिटिंग ऑन द वरांडा वेयरिंग माई पजामास एंड ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ पंच। देयर इज नो बॉडी एल्स आउटसाइड, माई सिस्टर हैज गोन टू शैम्पू हर हेयर, माई ग्रैंड
parents' bungalow is on the edge of a jungle, so lots of wild animals walk around the house at night. Next, exercise number 4 है, plural nouns ending in os and oes. ये words दिए हुए हैं, इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड करना है, जो वर्ड्स ओ एस पे ख़त्म हो रहे हैं और जो प्लूरल्स ओ ई एस पे ख़त्म हो रहे हैं उनको इधर नंबर 2 में लिखना है. वर्ड्स डैट एंड्स इन ओ एस, एग्जाम्पल है फोटोज, इसमें आ जाएगा पियानोस, रेडियोस, और नेक्स्ट में आ जाएगा words that ends in oes, examples are buffaloes, echoes, heroes, mangoes, potatoes, tomatoes, volcanoes. Students, ये था आज का हमारा lecture. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. Next, इंशाल्लाह ताला next lecture के साथ हाजिर होंगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.